नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ शहर के इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल का 10वीं कक्षा का रिजल्ट हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 100% लगा है। यह 10वीं कक्षा में 65 बच्चे शिक्षा ले रहे थे, जिनमें से 54 बच्चों को 80% से ज्यादा अंक मिले हैं और 11 विद्यार्थी फर्स्ट क्लास के साथ पास हुए हैं। इस स्कूल के छात्र छात्राओं ने एवं पालकों ने इसका श्रेय स्कूल के शिक्षक वर्ग को दिया है। स्कूल की संचालिका हजरा निया सिद्दीकी और उनके पूरे स्टाफ ने कड़ी मेहनत कर बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाया है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप नाना पाटिल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देने पहुंचे। उनके हाथों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ट्रॉफी एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया गया। 2007 में इकरा इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई। इस स्कूल में गरीब एवं मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस स्कूल के स्टाफ शिक्षक वर्ग के कड़ी मेहनत के कारण यह स्कूल दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। मेरा नाम शादाब शेख है। मुझे 90.60 आया। इसका क्रेडिट सर लोग को जाता है, मैडम लोग को जाता है, जिन लोग ने भी हमें पढ़ाया है सबको जाता है। ये टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उनको पूरा क्रेडिट जाता है इसका। आगे मुझे अभी साइंस लेके इंजीनियरिंग करना है। सईदा नासिर शेख, शादाब की मम्मी। आज मेरा बच्चा जो मुकाम पाया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इकरा स्कूल का, टीचर लोग का, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा बच्चा इतना अच्छा परसेंटेज से पास हुआ है। आगे मेरा बच्चा है इंजीनियरिंग करने का सोच रहा है। बस आप सभी की दुआ से मेरा बच्चा वो मुकाम पे पहुँचे, मैं यही आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ। आप लोग का भी उस पर आशीर्वाद रखिए। ये मेरे कोच गाँव कमलाकर नगर में अजरा मैडम जी और सिद्दीकी साहब, इन्होंने जो 10 बच्चों को लेके स्कूल चालू किया था मेरे ख्याल से 2005 के 7 के आसपास के करीब, और आज बढ़ते आज स्कूल का 2022 में अंबरनाथ में टॉप में गिनी जाने वाली इकरा स्कूल। क्या हम लोग को फ़ोन आया बाहर से कि पाटिल साहब आपका स्कूल का नंबर एक नंबर में आया है? ये लोगों से मेरे को सुनने को मिला और बहुत बड़ी खुशी हुई। कल पूरे कोचगांव में खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्या कमलाकर नगर का इकरा स्कूल में इतना अच्छा परसेंटेज से SSC का रिजल्ट लगा है। ये हमारा इतिहास हो गया, कोचगांव का तो इतिहास हो गया। क्या इतने पैमाने पर बच्चों लोग ने पास हो गए। मैं अजरा मैडम, सिद्दीकी साहब और उनके स्टाफ है जो सर, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत ली है और उसका नतीजा आज हम लोग को अच्छा तरह से आया। आज 2022 का जो रिजल्ट आया है और उस पर 60% के प्लस ही बच्चे पास हो गए, और जो डिस्टिंक्शन जिन्होंने लिया मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ। और ऐसे ही ये स्कूल बढ़ते रहे और हमारा कोचगांव की शान बढ़ती रहे। मैं फिर से एक बार स्कूल के स्टूडेंट और उनके सर और मैनेजमेंट को शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम अजरा नियाज सिद्दीकी है। हम लोग के स्कूल में से SSC में 65 स्टूडेंट्स अपीयर किए, जिसमें से 55 को डिस्टिंक्शन मिला एंड 11 स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्लास। हमारा रिजल्ट टॉप है। वंस अगेन 55 स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन आए, अबाउ 80%। और मोस्टली मतलब गरीब तबके के बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स इज 98, हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस इज 97, हाईएस्ट मार्क्स इन सोशल स्टडीज इज 97। 81.40। शालिनी वाघमारे। अभी क्या बनने का, क्या करना है? मुझे कॉमर्स लेके बैंकिंग करना है। कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है और मैं KG से यहाँ पे पढ़ती हूँ, और यहाँ के मैडम सर टीचर सब अच्छे पढ़ाते हैं यहाँ पे, इसलिए इतना अच्छा परसेंटेज आया। बहुत अच्छा लग रहा है। इकरा स्कूल में बहुत टीचर लोग सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए। गुलाम मोइनुद्दीन नासिर खान नाम है। 84.20 आए। आगे डिप्लोमा लेके होटल मैनेजमेंट। हमारे सर लोग को, सबसे पहला सर लोग को, हमारे सर टीचर स्टाफ और मैडम को सबसे पहला। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को जिन्होंने वाकई में हमारा स्कूल का नाम बहुत रोशन किया, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सबसे बड़ी बात हजरा मैम और नजीमा मैम, जो ना कि बच्चे बल्कि
इवन टीचर्स को भी हमेशा मोटिवेट किया है ताकि बेस्ट बच्चों से निकाला जाए। तो आप रिजल्ट सुन के हैरान हो जाओगे, 65 बच्चे हैं जिनमें से 54 बच्चे डिस्टिंक्शन एंड अबव है, एंड दैट टू 80% अबव, और जो बचा हुआ 11 बच्चे हैं दे आर फर्स्ट क्लास। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माय नजीमा मैम एंड हजरा मैम, जिन्होंने हर टीचर को, हर टीचर ने बहुत मेहनत किया है, और हर एक टीचर का मेहनत का मेन ये मोटिवेशन है हमारा माहौल, ये जो स्कूल का माहौल है उन्होंने ऐसा रखा है कि बच्चों को भी पूरी आज़ादी दी है, जो भी जो कुछ भी पूछना है, जितनी भी उनके प्रॉब्लम्स हो, हर प्रॉब्लम को उन्होंने समझा है, और टीचर्स को भी यही गाइड किया कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। मेरा नाम श्रुति है, मुझे 83.20% आया। क्या करना चाहती है? आगे अब तक सोचा नहीं है, उसके हिसाब से करूँगी आगे जो पेरेंट्स बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि साइंस लेके इंजीनियर करना है, तो वही करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर, सबसे पहली बात, इकरा इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, आई एम वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हियर, मैं यहाँ पे एडमिन में हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतने छोटे तबके से बच्चे आते हैं, और आज हमने उनका सपना साकार कर दिया है। कहाँ तो सर, कोई बच्चे लेबर क्लास के बच्चे ही है, बट कल की जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और जो पेरेंट्स की खुशी मैंने देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अजरा मैडम एज ए फाउंडर उन्होंने ये स्कूल खोला है, तो आज उनका सपना पूरा हो गया। एंड दिस 100% रिज़ल्ट सर, वी आर गेटिंग इट सिंस 3 ईयर्स। एंड हमारा जो टॉपर है सर, 91 टॉपर जो है, वो सर जो है इतने गरीब घर से है, इतना नीडी है, हम लोग ने उसको इतने सेल में, प्रोटेक्टेड शेल में करके सर उसके साथ मेहनत की है, और हमने सब बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है सर, और माशाल्लाह सब बच्चों ने हमारी सुनी, हमारी रिस्पेक्ट करी, बराबर स्कूल आते थे, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है सर, और हमारी ये उम्मीद है कि हम आगे हमारे बच्चों के साथ ऐसे करते रहे, अच्छी मेहनत करते रहे, क्योंकि सर मेरिट की जो एक काबिलियत ये चीज़ होती है कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। व्हेन यू आर ऑन मेरिट, नोबडी कैन स्टॉप यू इन दिस वर्ल्ड। सो मेरा यही तमन्ना थी, जब मैं 3 साल पहले यहाँ पर आई थी, तो मैंने मैडम को यही बोला था, मैडम अगर 100% आएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, 100% नहीं आएगा तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। इंशाल्लाह मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे जब तक अल्लाह ताला ने हयात दी है, मुझे हिम्मत दी है, आई विल कीप कमिंग टू अमरनाथ, एंड आई विल सी टू इट कि मैं अपने बच्चों के साथ मेहनत करूँ, आई गिव देम गुड रिजल्ट, आई गिव अ गुड कम्युनिटी सर्विस टू दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन्स करूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आया, और इन सब का पूरा क्रेडिट हमारे सुपरवाइज़र मैम नाजमा मैम और प्रिंसिपल मैम आजरा मैम को दूंगा, क्योंकि इनके गाइडेंस के अंदर सारे टीचर्स ने टीम वर्क किया है, और सारे टीचर्स के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत एफ़र्ट्स दिए, और उससे ज़्यादा एफ़र्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के रहे, जिसके वजह से वी गॉट 100% रिजल्ट, एंड दैट वाज अ गुड थिंग दैट वी हैव अचीव द 100% रिजल्ट इन आवर स्कूल।